हेलो एवरीवन स्वागत है इस चैनल के ऊपर में आज इस वीडियो में हम जो दो स्टॉक्स डिस्कस करने वाले हैं उनका रिकमेंडेशन हमें हमारे कमेंट बॉक्स में आया है और वो आया है हमारे व्यूअर मिस्टर राजेश तुरकिया की तरफ से तो मिस्टर राजेश ने आ, आरती इंडस्ट्रीज और मुथुट फाइनेंस ये दोनों स्टॉक्स का एक एनालिसिस किया जाए ऐसा कमेंट बॉक्स में लिखा था और उसी के साथ हम इस वीडियो में अभी रेडी है और आप यहाँ पर चार्ट देख रहे हैं मुथूट फाइनेंस का लेकिन उससे पहले एक बार आ, एक आ, देख लेते हैं कि किस प्रकार से निफ्टी का मूवमेंट रहा है पिछले आ, हफ्ते भरे से और अगर आपने कुछ पिछले हफ्ते के वीडियोज़ भी फॉलो किए हैं इस चैनल पे तो हमने बात की थी कि इस बार निफ्टी की मूवमेंट थोड़ी स्लगिश लग रही है और ये जो लेवल है 15,400 का ये जो लेवल है इसको क्रॉस करना थोड़ा डिफिकल्ट नज़र आ रहा है इस बार अगर आप पिछले बार के जो पुलबैक्स और उसका काउंटर बुलिश मूव है उसको देखें तो इस बार थोड़ा स्लगिश मूवमेंट लग रहा है साइडवेज जाने के चांसेस लग रहे हैं एक रेंज बाउंड जिसको कहते हैं रेंज बाउंड मूवमेंट रह सकता है और पंद्रह चार सौ और यहाँ से अगर आप सपोर्ट निकाले इसका तो करीबन चौदह सात सौ के आसपास का सपोर्ट आता है सो चौदह सात सौ और पंद्रह पाँच सौ के बीच में निफ्टी एक दीर्घ काल के लिए रह सकता है ऐसा हम यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं सो so, इसको ध्यान में रखते हुए हम हमारा जो स्टॉक स्पेसिफिक स्टडी है उसको भी आगे बढ़ाएंगे सो मुथुट फाइनेंस का ये स्टॉक है इसको हम देख लेते हैं सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम में टॉप टू बॉटम अप्रोच अपनाते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से मूवमेंट रहा है तो देख सकते हैं आप कि मुथुट फाइनेंस का जो स्टॉक है वो हाईली बुलिश है ये पिछले चार पाँच छः सालों से जो है ये एक बुलिश स्टॉक है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो काफ़ी अच्छा स्टॉक रह सकता है साथ ही में फंडामेंटल्स को भी आपको एक बार देखना पड़ेगा तो मंथली टाइम फ्रेम में बुलिश आउटलुक है वीकली टाइम फ्रेम में चलते हैं और यहाँ पर अगर आप इसको देखें तो फिलहाल का जो मूव है वो एक साइडवेज मूव है एक रेंज बाउंड मूव है इसको हम ट्रेंडलाइंस की हेल्प से इसका जो रेंज है उसको मार्क करेंगे और फिर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को पहचान पाएंगे तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये एक जोन है ये एक जोन है जो कि जहां पर कि प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया है और ये एक लेवल है जहाँ पर कि प्राइस ने सपोर्ट लिया है काफी बार तो ये ऊपर वाले लाइन पे आप देख सकते यहां पर एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है और इसकी जो लेवल है ये करीबन थर्टीन थाउजेंड थर्टीन हंड्रेड माफ कीजिए थर्टीन हंड्रेड से थोड़ा ऊपर है और ये जो लेवल है ये वन वन जीरो फाइव की लेवल है यानी थर्टीन हंड्रेड और इसको भी अगर आप राउंड ऑफ कर दे तो वन वन डबल ज़ीरो हो जाएगा सो वन थ्री डबल ज़ीरो से वन वन डबल ज़ीरो के बीच में रेंज बाउंड मोशन चल रहा है और अभी लगभग एक साल होने को आ रहा है पिछले पिछले मई से आप अगर देखें तो ये रेंज बाउंड मूवमेंट चल रहा है सो ऑलमोस्ट इट इज़ अराउंड टेन टू इलेवन मंथ्स जो हो चुके हैं और यहाँ पर एक रेंज बाउंड चल रहा है और इसी रेंज में प्राइस चल रहा है अभी प्राइस कहाँ पर है अभी आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस लेकर के प्राइस को नीचे ढकेला जा रहा है तो ये अगर आप ऐसे देखें तो इसको यहाँ आकर के एक सपोर्ट लेना चाहिए और फिर से ऊपर जाना चाहिए और फिर से इस प्रकार से तो ये जो मूव है ये एक तो कंटिन्यू रह सकता है या फिर ये मूव अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है तो फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट भी हो सकता है तो देखिए ब्रेकआउट हो या फिर ऑब्वियसली यहाँ से ब्रेकडाउन भी हो सकता है सो तो आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है हम एक अगर पोजिशनल इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करें तो अगर यहाँ पर सपोर्ट ले लेता है प्राइस और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है जैसे आप देख सकते हैं यहाँ हुआ है ये यहाँ हुआ है ये यहाँ हुआ है इस रीजन में मतलब नीचे आकर के सपोर्ट लेने के बाद इस रीजन में जब प्राइस आता है तो बेस्ट प्राइस रहेगा बाय करने के लिए और इसका प्राइस लेवल जो है वो 1100 और 1200 के बीच का है यानी आप पकड़ सकते हैं कि डबल वन फाइव जीरो जो है वो सही प्राइस रहेगा मुथुट फाइनेंस में एंट्री लेने के लिए और डबल वन फाइव ज़ीरो जब नीचे आ रहा है प्राइस उस समय नहीं जब प्राइस ऊपर चढ़ रहा है उस समय आपको उसको पकड़ना है तो आई होप आई एम क्लियर जब प्राइस ऐसे नीचे आ रहा है यहाँ पर बाय नहीं करना है जब ऊपर जा रहा है और कन्फर्मेशन मिल जाता है कि यहाँ से फिर से सपोर्ट लेकर के सपोर्ट लेकर के प्राइस ऊपर जा रहा है तब आपको इसको बाय करना है और ये जो चैनल है चैनल की विट्थ कितनी है ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है तो हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये लाइन से ये लाइन तक अगर प्राइस पहुँचता है तो करीबन 20 परसेंट की ये विट्थ है 20% परसेंट की विट है दोस्तों तो ये बहुत ही अच्छा चैनल बन रहा है यहाँ पर आप ये जो दोनों ही लेवल्स बस इम्पॉर्टेंट है दोनों लेवल्स को आप देखते रहिए बाकी की चीज़ें अपने आप क्लियर होती जाएगी ज़्यादा कुछ लॉजिक लगाने की इसमें इतनी खास ज़रूरत नहीं है तेरह और ग्यारह की कि ये दो लेवल्स है बस इसको आप वॉच में रखिए और बाकी की डिसीजंस आप खुद ले सकते हैं डेली टाइम फ्रेम में भी एक बार चलते हैं और डेली टाइम फ्रेम में भी समझ लेते हैं कि इमिजिएट टाइम फ्रेम में क्या प्रॉब्लम क्या चांसेस या अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है तो देखिए सेम चीज़ है ज़्यादा कुछ अलग नहीं नज़र आ रहा है डेली में भी जो हमें वीकली में ये रेजिस्टेंस यहाँ दिखा था उसका एक अलॉन्ग वर्जन दिख रहा है काफ़ी बार यहाँ पर रजिस्टेंस फेस हुआ है इसका मतलब ये है कि प्राइस चाहता है कि यहाँ से वो एक ब्रेकआउट दे तो आने वाले दिनों में हम यहाँ से एक ब्रेकआउट भी अंटिसिपेट करेंगे फिर से एक बार 1300 और 1100 ये दोनों लेवल्स को आप वॉच करते रहिए अगर 1100 के आसपास आता है तो आप ये 20 परसेंट का ये जो विंडो है 20 परसेंट का फायदा हो सकता है बीस में से अगर आप समझ लें आप कुछ पाँच छः परसेंट छोड़ देते हैं ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं रहते हैं क्योंकि ऑब्वियसली हम 1100 पे बाय नहीं करने की बात कर रहे हैं हम 1100 और 1200 के बीच में बाय करने की बात कर रहे हैं तो फिर आपको 10 या बारह परसेंट भी मिलते हैं तो आपको आपके लिए अच्छा रहना चाहिए यू शुड बी हैप्पी विद डेट ऑल्सो सो ये है uh, बात यहाँ पर मुथुट फाइनेंस की ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है ये दो लेवल्स है सपोर्ट और रेजिस्टेंस उसके बीच में ही प्राइस खेल रहा है आपको भी उसके बीच में ही खेलना है अगर इसके ऊपर चले जाता है तो फिर आपको इस लेवल के ऊपर खेलना है बस चीज़ बहुत सिंपल है मुथुट फाइनेंस के इस चार्ट में ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस हमको नहीं करना है चलते हैं आगे और सेकेंड जो स्टॉक है हमारा आरती इंडस्ट्रीज़ आरती इंडस्ट्रीज भी हमने आ, पहले लिया है स्टडी के लिए फिर से एक बार इसके ऊपर भी हम थोड़ा आ, लाइट डालेंगे तो देखिए फिर से एक बार बुलिश स्टॉक है तो आज के जो दोनों स्टॉक्स यहाँ पर सजेशन में आए हैं कमेंट बॉक्स में तो राजेश के तरफ से दोनों भी स्टॉक्स जो है वो ओवरऑल बुलिश टेरिटरी में है और बुलिश ट्रेटरी में यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है मंथली टाइम फ्रेम में बात साफ़ हो रही है और सपोर्ट ले रहा है प्राइस यहाँ पर ई एम ए ट्वेंटी वन का तो ये जो ब्लू ग्राफ है इसके साथ साथ प्राइस ऊपर जा रहा है इसके इसको सपोर्ट एज अ सपोर्ट यूज़ कर रहा है और उसके साथ में ऊपर जा रहा है तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बुलिश है देखिए मंथली टाइम फ्रेम हम इसलिए देखते हैं भले ही हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं लेकिन मंथली टाइम फ्रेम इसलिए देखते हैं सो so दैट हमें एक ओवरऑल ट्रेंड की बात ट्रेंड uh, की जो जानकारी है वो मिल जाए क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रेडिंग में आपको हमेशा ट्रेंड के साथ में रहना है ट्रेंड के अपोजिट काम नहीं करना है अगर ट्रेंड के अपोजिट आप जाना चाहते हैं तो उस स्टॉक को छोड़ दीजिए बाकी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहां पर ट्रेंड के साथ आप जा सकते हैं तो ये एक स्टॉक है जो ट्रेंड के साथ जिसमें आप ट्रेंड के साथ जा सकते हैं और यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में भी आप देख पा रहे हैं हायर हाईज़ एंड हायर लोज़ हायर हाई एंड हायर लो का फॉर्मेशन यहाँ पर बन रहा है और एक बॉक्स पैटर्न बनते हुए प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है ये आप देख सकते हैं ये हाई जो है ये हाई जो बन रहा है ये ऊपर की तरफ बनते हुए जा रहे हैं और ये जो लोज भी बन रहे हैं ये लोज भी यहाँ से ऊपर की तरफ बन रहे हैं तो ये एक चैनल यहाँ से इस प्रकार से बन रहा है और ये यहाँ पर रेजिस्टेंस है और ये जो लाइन है ये यहाँ पर सपोर्ट है अब इसका एग्जैक्ट प्राइस लेवल तो हम नहीं निकाल सकते क्योंकि ये आ, हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है इस प्रकार की ये एक इंक्लाइंड लाइन है इसलिए इस लाइन का कोई प्राइस लेवल तो नहीं है लेकिन फिर भी हम ट्रेंड लाइन्स निकालते हैं और ज्यूम करते हैं कि एक अजम्पन लगाते हैं कि कहाँ पर प्राइस मीट कर पाएगा उसके ट्रेंड लाइन से तो देखिए ये एक ट्रेंड लाइन बनता है बहुत ही क्लैरिटी के साथ आपको नजर आ रहा है कि कितने सारे टच पॉइंट्स उसके ऊपर है और ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ बनता है आप इसको थोड़ा पॉइंट ट्यून भी इस प्रकार से कर सकते हैं तो ये बन गया आपका सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस बस यही दो चीज़ें हैं फ्रेंड्स प्राइस एक्शन में ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस या कॉम्प्लिकेशंस नहीं है आपको डिमांड लेवल्स और सप्लाई लेवल्स पता रहनी चाहिए डिमांड लेवल यानी जहाँ पर कि सपोर्ट बनता है ये सारा जो, जो जोन है ये एक डिमांड जोन बनता है और ये सारा जो जोन है यहाँ पर ये सारा का सारा एक सप्लाई जोन कहलाया जाता है प्राइस एक्शन का ये सबसे इंपॉर्टेंट टूल है आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो फिर इजी रहती चीज़ है चीज़ें जैसे आप देख लीजिए अगर आप मान लीजिए यहाँ पर होते तो आपको पता है ये सपोर्ट की लाइन है तो यहाँ से फिर सपोर्ट लेकर के प्राइस ऊपर जाएगा फिर से ये लाइन आ गई आपको पता है यहाँ से प्राइस नहीं आप, आप आपका ट्रेड जो है वहाँ बेच सकते हैं आप वेट कर सकते हैं फिर से प्राइस यहाँ पर आएगा इस यहाँ पर आने के बाद में आप देख सकते हैं कि प्राइस फिर से ऊपर चलेगा तो ये पता करना कोई बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है और अगर हम ये जो चैनल बन रहा है इसकी विथ को नापे इसकी गहराई को नापे तो देखिए 25-26 परसेंट का ये ट्रेडिंग चैनल चल रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर और ये काफ़ी सालों से लगभग डेढ़ दो सालों से ये चैनल चलता हुआ आ रहा है तो आरती इंडस्ट्रीज़ में पहले भी हमने वीडियो बनाया है हर एक साइकिल में अगर आप बीस बीस पंद्रह पंद्रह मान लीजिए दस भी अगर आप बनाते हैं तो फिर ट्रेडिंग के कैरियर में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा तो ये है सिंपल आरती इंडस्ट्रीज का वीकली टाइम फ्रेम तो करंटली प्राइस कहाँ पर है देखिए फ्रेंड्स करंटली प्राइस है यहाँ पर उसने ये रेजिस्टेंस जो है इसको कंफर्म किया है इसको छू करके प्राइस नीचे आया है अब आप वेट करिए और हो सकता है इस प्रकार से भी नीचे आए प्राइस या इस प्रकार से भी आए या इस प्रकार से भी आ सकता है हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली exactly कहाँ पर आकर के ये जो लाइन है इसको वो मीट करेगा तो जहाँ पर भी ये लाइन के करीब आता है आप इसको वॉच रखिए लाइन को छूने के बाद सपोर्ट लेने के बाद फिर से प्राइस ऊपर जाएगा तो आप कहीं यहाँ या यहाँ उसको बाय कर सकते हैं लाइन को छू करके जब ऊपर जाए जैसे मान लीजिए लाइन को यहाँ पर आया टच किया और ये ऊपर गया ऊपर जाने का इंतज़ार हम इसलिए करते हैं सो so दैट हमें एक अश्योरेंस मिल जाए और ऐसा ना हो कि यहाँ पर आने के बाद यहाँ से सीधा नीचे चले जाए इसलिए हम ये थोड़ा सा जो एक बफर लेके चलते हैं थोड़ा सा एक कुशनिंग लेके चलते हैं कि हमें एक और भी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड मिले और हमारी जो प्रोबेबिलिटी है हमारा जो रिस्क है वो कम हो जाए इसलिए हम वेट करते हैं कि थोड़ा अपसाइड में मूव है जैसे देखिए यहाँ पर आकर भी यहाँ जाने के बाद में ये यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं अगर आप हो सकता है कि प्राइस यहीं से नीचे जाए ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ जाने के बाद भी नीचे आए लेकिन प्रोबेबिलिटी जो है हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं प्रोबेबिलिटी इस केस में हाई हो जाती है और यहाँ पर अगर आप बाय करते हैं तो प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है स्टॉक मार्केट जो है वो इट इज़ ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी आपको एक हाई प्रोबेबिलिटी सिनारियों को पहचानना है और वहाँ से आपको आपके ट्रेडिंग में आगे बढ़ना है तो ये एक स्टडी है आप इसको ध्यान में रखिए लेवल्स अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए आप ध्यान में रखिए 1200 1200 के आसपास आपको शायद वो लेवल मिल सकती है क्योंकि जैसे मैंने कहा ये एक इन, एक इंक्लाइंड लाइन है एक हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है इसलिए इंक्लाइंड लाइन में अलग अलग प्राइज अलग अलग प्राइस लेवल्स रहते हैं तो हम एग्जैक्टली exactly नहीं निकाल पाएंगे 1250 1200 के बीच में आप वॉच करते रहिए वहाँ पर एक अच्छा एंट्री पॉइंट बन सकता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ लॉन्ग टर्म ट्रेड अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड की बात करना है तो हमें और भी नीचे जाना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा डेली टाइम फ्रेम तो ये है डेली टाइम फ्रेम डेली टाइम फ्रेम में भी ऐसा कुछ खास अलग कंक्लूजन तो नहीं निकाल पा रहे हैं हम बस यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि ये नीचे आने के बाद ये अपसाइड मूव इस प्रकार से जा रही है लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये अपसाइड मूव हो रही है ऑलमोस्ट यहाँ पर टच ऑलमोस्ट uh, हो रही थी और वहाँ से अभी नीचे आ रहा है प्राइस तो सीधी सी बात है आप यहाँ पर भी वेट करें ये इतने में कहीं आएगा प्राइस ऐसा इस प्रकार से तो फिर आप उसको बाय करें या फिर अगर प्राइस ऊपर की तरफ ही चले जाए और ये जो लेवल है ये जो लाइन है ये लाइन के ऊपर अगर प्राइस चले जाता है यानी मान लीजिए तेरह का अगर लगभग यहाँ प्राइस बनेगा उसके ऊपर प्राइस चले जाएगा अगर तेरह के ऊपर या 1360, 1400 के बीच में जब प्राइस पहुंच जाएगा आप इस फिगर को याद रखिए 1360 के ऊपर अगर पहुंच जाएगा मतलब कि इस लाइन का जो है ब्रेकआउट हो चुका है और ब्रेकआउट होने के बाद में फिर से एक बार हायर हाइज एंड हायर रोज की साइकिल फिर से एक बार बनेगी और वहाँ से फिर प्राइस ऊपर जा सकता है सो आरती इंडस्ट्रीज़ बुलिश है मुथूट फाइनेंस भी बुलिश है दोनों भी चैनल में चल रहे हैं चैनल की विथ्स जो है वो मोर देन 15-20 परसेंट है 15-20 परसेंट में से आप 10 परसेंट का टारगेट रख सकते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को पहचानिए पोजिशन साइजिंग को समझिए ये सारा स्टडी जो है ये आपके रिस्क कैपेटाइट, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस ट्रेडिंग साइकोलॉजी और बहुत सारी चीज़ों के साथ में मिक्स कीजिए अलग analysis, अलग एनालिसिस अलग अलग लोगों के लिए अलग प्रकार से काम कर सकता है ज़रूरी नहीं है कि जो एनालिसिस मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ आपको उसी प्रकार से उसको यूज़ करना है बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है आप इसमें से बेस्ट चीज़ लीजिए जो आपको सूटेबल लगती है क्योंकि सबका गेम जो है वो डिफरेंट रहता है सबकी साइकोलॉजी एक्सपीरियंस सब डिफरेंट रहता है आप यहाँ पर 20 परसेंट या पच्चीस तीस परसेंट भी कमा सकते हैं अगर आपको इसमें और भी कुछ अलग दिखाई देता है जो कि आपके लिए यूनिक है इसलिए एक यूनिक ट्रेडर बनिए टिप्स कॉल्स पे मत जाइए स्टडी अगर कोई आपको प्रेजेंट करता है तो उसको देखिए अगर आपको उसमें से कुछ भी इन्फो इन्फॉर्मेटिव इन्फु, इन्फु, वैल्युएबल नहीं लगता है तो उसको आप छोड़ दीजिए लेकिन आपको एटलीस्ट ये तो पता चल जाएगा कि ऐसे स्टडी करने से आपको कुछ भी फायदा नहीं होता है तो यही आपकी सीख रहेगी वहाँ पर एनी हाउ थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो टिल दी वेरी एंड एंड आई होप इट वॉल इन्फॉर्मेटिव फॉर यू एंड अगर आपको पसंद आया होगा वैल्यूएबल रहा होगा ये एनालिसिस जो कि मैं चाहता हूँ कि आ, हमेशा सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ आपको तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को शेयर करिएगा सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में और बेल आइकन को भी एनेबल करिए और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है प्लीज़ अगर आपने नहीं किया है तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो and till then thank you